OB42 में बहुत कुछ ऐसे आने वाले हैं, तो हम पहले कैरेक्टर से शुरुआत करेंगे क्योंकि तुम सभी को पता है कि हमारे फ्री फायर का सबसे मौजूदा कैरेक्टर से ही शुरुआत होते हैं। अगर कैरेक्टर नहीं है तो भाई खेलोगा कैसे। तो भाई कैरेक्टर से शुरुआत करें तो यहाँ पर फॉरजन बुंगकोंग तुम्हें स्किल एक आइस मंकी यानी एक बर्फ के बंदर बन जाएगा। ये स्किल का इफेक्ट सिर्फ आप और आपके टीममेट्स को देखेगा, दूसरा प्लेयर्स को नहीं। इसका मतलब आस पास के प्लेयर्स के लिए ये स्किल वो वैसे यानी कि घास की तरह में छुप जाएगी, वही आइस मंकी का रूप में दिखेगा। इस आप अपनी टीम को एडवांटेज मिलेगा। साफ सीधे भाषा में कहूं तो भाई ये कैरेक्टर अवेकन में आने वाला है। जी हाँ, बुंगकोंग जिसको आप बंदर भी बोल सकते हो वगैरह वगैरह जो भी नाम से। खैर ये अभी तक के लिए कंफर्म नहीं है क्या ये सच में अवेकन में आने वाला है। खैर एडवांस सर्वर्स तो यार 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक दो दिन पहले ही बहुत बंदे खेलना स्टार्ट कर लेंगे। एंड इतना ही नहीं, बुंगकोंग के अंदर स्पीड को लेकर इंक्रीज किया जाएगा, यानी उसकी मूवमेंट स्पीड को थोड़ा बढ़ाया जाएगा ताकि आपको तत्सुया की जरूरत ज्यादा ना पड़े। नंबर 2 पे जो कैरेक्टर हुए है सूजी, और तुम्हें सभी को पता है कि ये एनिमी को किल करती है तो इसको टोकन मिलता है, जैसे कि आप जैसे बंदूक को रिवाइव करने के लिए, साथ में इक्विपमेंट्स वेंडिंग मशीन से खरीदने के लिए। तो यानी कह सकते हो कि अगर एक एनिमी को अगर ये मारेगी तो कम से कम ज्यादा ही मतलब उसको कॉइन मिलने का संभावना है, यानी 100 मिलता होगा तो उसका बदले 300-200 ऐसे आ सकते। साथ ही साथ यहाँ पर A1-4 का भी करेक्टर जो है उसका भी ड्यूरेशन एंड कूल डाउन बहुत कम किया जा रहा है, 3 out of 3। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तुम्हें को भी पता है कि भाई ये भी काफी ज्यादा डिसिप्लिन तो कर रही है। अब देखो मुझे ये नहीं समझ आता यार कि जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है उस कैरेक्टर की एबिलिटी तो डाउन होती है, लेकिन यहाँ पर डिमिट्री एंड थीवा की कूल डाउन काफी ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से डिमिट्री और थीवा की एबिलिटी बहुत ही देर में यूज कर पाएंगे। तो भाई कह सकते हो भाई बहुत ही खतरनाक मतलब होने वाला। एंड साथ ही साथ बात करें तो भाई ओरियन का भी डैमेज एकदम कम कर दिया जाएगा, जो डैमेज देता भाई डैमेज के द्वारा एनमी डाउन हो जाता है। भाई समझ लो कि ओरियन का भी एल लगने वाले हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और कमेंट में जरूर बता देना क्या ओरियन क्लच के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर मतलब लिस्ट में आ सकता है, और आ सकता है तो ये बताओ कि ओरियन की तरह ही ऐसा और कौन से कैरेक्टर हैं जो क्लच में सबसे ज्यादा फिट बैठते। अब देखो जिसका सबसे ज्यादा मुझे इंतजार था वो था सोनिया कैरेक्टर, और तुम सभी को पता भाई सोनिया क्या ही हार्ड लेवल की कैरेक्टर। भाई फर्स्ट टाइम ऐसा कैरेक्टर आया जो फीमेल में जो तगड़ा मतलब बीट कर रखी है सारे कैरेक्टर को। तो भाई इसका जो HP शील्ड है उसको कम करने जाने वाला है, यानी कि उसका शील्ड को थोड़ा सा ढीला कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप तो उसको मारने में और भी आसानी होगा। इतना भी नहीं कि भाई तुम मार दो सीधा खत्म कर दो, मतलब उस कैरेक्टर का रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा होगा कि बस आप इससे थोड़ा सा छुटकारा पा लोगे। साथ ही साथ यहाँ पर न्यू कैरेक्टर की बात करें तो भाई तुम सभी को पता है कि मैंने तुम्हें नाम बता दिया था, लेगिनिस कैरेक्टर जो है उसका एबिलिटी फायर वॉल वाला होने वाला, जो कि एडवांस में टेस्टर में देखने को मिला था। और कितने लोगों का कहना मेरा भी था कि यहाँ पर MS धोनी का ये एबिलिटी होने वाला था, लेकिन यार मेरे को भी लग रहा था डाउट कि भाई ये बिल्कुल एबिलिटी हो तो नहीं सकता है, बट देखते हैं। तो यहाँ पर थाला कैरेक्टर का एबिलिटी कुछ और होगा, अब एडवांस सर्वर आने तो पता लगेगा भाई क्या है क्या नहीं। इसी के साथ साथ एक और कैरेक्टर निकल के आ रहा है जो कि यार एडवांस सर्वर में हमें पता नहीं ये लोग मतलब क्लू देंगे या नहीं, लेकिन फिर भी एक बता रहा हूँ जैसे ये पोस्ट देख पा रहे हो, ये कैरेक्टर जो है ना एक मैकेनिकल इंजीनियर है, यानी कह सकते हो सस्ता टोनी स्टार जो कुछ भी डेवलप कर सकता है। तो भाई कुछ इस प्रकार का स्किल्स का होने वाला है, मतलब स्पाइडर के थीम पर कुछ होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि ये स्पाइडरमैन की तरह मतलब उससे कोलैबोरेशन कर रहा है ऐसे आ रहा है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसा मान लो कि कुछ इस प्रकार का स्किल होगा जो काफी फाड़ होगा, बाकी तो यार इसके बारे में सारी डिटेल्स लिखे हुए, चाहो तो पोस्ट करके पढ़ ले। खैर हम एडवांस न्यूज की बात करें तो भाई यहाँ पर OB42 के अंदर, अब देखो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर सच में होने वाला है या नहीं, लेकिन एक लीक है जो कि अनुमान के तौर पर बता रहा हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। तो भाई एक मिनी हीलिंग ड्रोन भी देखने को मिलने वाला है, और ये ड्रोन पता किस तरह से है? मतलब आपके आपके टीमर्स को साथ से हील करेगा, यानी कि HP गेन करेगा। अभी कितने सेकंड तक रहेगा कैसे नहीं रहेगा अभी उतना मुझे खास मालूम नहीं है, बाकी तुम ये पढ़ सकते हो। साथ ही साथ ये कोई नहीं बोलेगा कि भाई BGMI से ये ड्रिंक वाला मतलब एनर्जी ड्रिंक वाला चीजें उठाया जा रहा है, बोल सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो, बट फ्री फायर वालों अपने साथ रहना क्योंकि ये लोगों ने ना 2.8 वाला जो अपडेट है ना बिल्कुल अपने फ्री फायर से उठाया है, तो अपने गर्व से कह सकते हो कि हम भी उठाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब वो कौन सा अपडेट्स उठाए हैं तुम लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो भाई देख लेना, मैंने तुम्हें वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे भी दे दूंगा, बाकी तुम बताइए क्या होगा। तो भाई एनर्जी ड्रिंक कुछ इस टाइप से काम करेगा कि जैसे आप इसे पीते हो तो भाई समझ लो कि 20% आपका मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज एक्यूरेसी 5%, फिर से रिकवर 5 हेल्थ साउंड, मतलब 5 HP आपकी बढ़ती रहेगी, गेंस्ट पर भी बोनस आफ्टर यूज कैन नॉट बी यूज इट व्हिल स्प्रिंटिंग। तो भाई ये कह सकते हो बिजी माई वाला ड्रिंक तुम्हें
हमें देखने को मिलने वाला है फ्री फायर के अंदर। तो भाई मैं तो यही कहूंगा भाई, जिस तुम कहते हो ना कि फ्री फायर कार्टून गेम है जो VGMI वाले कहते हैं, मैं कह दूं भाई तुम कार्टून गेम से ही उठाकर कॉपी भी करते हो और ये नहीं बोलते कि भाई मतलब हम फ्री फायर के कॉपी कर रहे हैं। बेटा याद ही रखना, कोई भी चीज ना 3D मॉडल से कभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब ये दुनिया भी शुरुआत हुई होगी ना, कार्टून से ही शुरुआत किया गया, तब जाके तुम जैसे लोग। खैर मुद्दे पे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि M1014 जोमिंग अटैक के थीम पे आने वाला है। जोमिंग अटैक के यानी कि जोमिंग पे थीम पर फिर से UMP XMAT इसका स्किन होने वाला है। एंड साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहां पर V42 का व्हीकल स्किन के नेम भी निकल के आ चुके हैं, जैसे जीप मोटरसाइकिल के ये सारे लिस्ट देख सकते हैं, मोटरसाइकिल के पैनल। और यहां पर स्पेशली स्पोर्ट्स कार का जो सिल्वर ब्लैक रेड लैम्बोर्गिनी थीम पर होने वाला है, यानी लैम्बोर्गिनी कार के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है इस बार। खैर ये न्यूज़ें मैं बहुत पहले आपको कवर कर चुका हूं, तो अगर पिछली वीडियो भी आप नहीं देखे हो तो क्या देखोगे यार, छोड़ो यार, तुम यही देख के शेयर कर देना। एंड हां चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, तुम्हारा भाई लीक्स अपडेट न्यूज़ कुछ नया तरीके से जरूर देता है, लेकिन अच्छे तरीके से, यानी कह लो कंफर्म होकर ही बोलता है, ऐसा ही नहीं कि भाई सीधा देखा और सीधा पटका। और हां मैं तुम लोगों को फ्री फायर इंडिया रिक्वेस्ट अकाउंट डिलीशन वाला एक पोस्ट मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था, लेकिन इसके मतलब क्या है तुम सभी को पता अभी तक लग गया होगा या नहीं लगा होगा, तो मैं बता दूं कि यहां पर अगर आपका आईडी डिलीट करवाना है, देखो मोस्ट प्रोबेबली कोई अपना आईडी डिलीट नहीं करवाना चाहता और ये आना भी नहीं चाहिए मेरे को लगता है, लेकिन आ जाएगा तो भाई फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि देखो मान लो कि आपका जो आईडी है, फ्रेंड को पता है कि मेरा आईडी का पासवर्ड ये है, मतलब जो आपका UID है, तो ठीक उसी तरह से आपके भी पास होगा ना, तो उसके पास भी वो रूल है, यानी चाहे तो वो भी आपका आईडी डिलीट कर सकता है, अचाओ तो आप दी। तो भाई ये सबसे खतरनाक वाला चीज लग रहा है, मुझे लगता है कि इसमें अगर ये आता है तो कुछ सेफ्टी और भी होना चाहिए भाई। फिर फ्री फायर खेलने का मतलब ही क्या है, मतलब मान लो कल को गलती से भी इस ऑप्शन पर क्लिक कर दूं या फिर कुछ ऐसा हो जाए, तब तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। साथ ही साथ यार गिल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाएगा, तुम सभी को पता है गिल्ड वॉर 2.0, और इसके अंदर जो रूलर फ्लैग इमोट है शायद से हमको टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए फ्री भी दिया जा सकता है, या यही कह लो कि एक पैड भी हो सकता है, बाकी तो यार फ्री ही मिलना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। खैर काफ़ी मज़ा आने वाला है एडवांस सर्वर में, तो भाई तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो बहुत मज़ा आएंगे, तो भाई खेलो खेलो खेलते रहो। बाकी मेरा चैनल तो पता नहीं क्यों डाउन होता जा रहा है, खैर जो भी हो तुमको अपडेट मैं देता रहूँगा जितने भी बंदे भाई, ठीक है, करो अनसब्सक्राइब और करो सब्सक्राइब भी।